बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें आज कन्याकुमारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रवाना होने वाले हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। उनका आज ध्यान और चिंतन कार्यक्रम है। 1 जून की शाम तक मेडिटेशन करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम के पहुंचने वाले कन्याकुमारी जो है वो नवभारत की टीम पहुंच चुकी है और एक एक तस्वीर हम वहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल नवभारत की टीम पहुंची है। नवभारत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। और कन्याकुमारी से इस वक्त वासनी रामू हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। वासनी, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां तैयारियां कैसी हैं? पहले से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है, किस तरीके से कन्याकुमारी तैयार है? अभी हम मौजूद हैं कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने और अभी आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ हम लैंड पे खड़े हैं और वहाँ पानी पे वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो है, तिरुवल्लुवर स्टैचू भी है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाके ध्यान करेंगे और आज शाम को प्राइम मिनिस्टर कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे, इसीलिए यहाँ का सुरक्षा बहुत पुलिस वालों ने तैयार कर रहे हैं। और अभी आप दूर से देख सकते हैं 5 या 6 बोट्स हम देख सकते हैं, ये सब मरीन पुलिस का है। मरीन पुलिस अभी पानी में स्टेशन हुआ है क्योंकि वो सर्वेलेंस टीम्स है, वो सर्वेलेंस कर रहे हैं और पब्लिक को भी अभी एंट्री को रोक लगा दिया है और प्राइवेट बोट्स का भी यहाँ आने जाने का कोई परमिशन नहीं है, सब कुछ बंद हुआ है 3 दिन के लिए। आज से जून 1 तक जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रहेंगे उस समय पर यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आ सकते और बोट्स भी नहीं आ सकते। 2000 से भी ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं और अभी पुलिस प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सिक्योरिटी और मरीन पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ये सब वहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में भी अभी वो चेकिंग कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, ये सब यहाँ हो रहा है। और आज शाम 5 बजे प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आएंगे वो पहले भगवती अम्मन टेम्पल जाके दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ विवेकानंद मेमोरियल रॉक मेमोरियल को आके ध्यान पे जाएंगे, यही प्लान है। और मई 31 कल से जून 1 तक प्राइम मिनिस्टर का मेडिटेशन का प्लान भी हमको मिला और हमको अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितने घंटे तक प्राइम मिनिस्टर ये मेडिटेशन करेंगे, लेकिन ये 2 दिन के लिए होने वाला है, इसीलिए यहाँ का पुलिस अभी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल डाल रहा है। अभी के लिए टूरिस्ट को लैंड तक परमिशन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद यही परमिशन भी रोक देंगे पुलिस ने, इसीलिए थोड़ा सा पुलिस वालों ने ये पब्लिक को वापस ले रहे हैं। थोड़ा सा आज दोपहर तक परमिशन यहाँ तक आने का भी होता है, लेकिन उससे बाद इस परमिशन को भी वापस लेंगे। सुरक्षा तो पुलिस वालों ने इतने ज्यादा किया है प्राइम मिनिस्टर के आने से, तो सब कुछ ठीक जाने का प्लान भी है तमिलनाडु पुलिस के लिए। बिल्कुल वासनी, आप तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उस दिन से लेकर 1 जून तक क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, कितने घंटे ध्यान में रहेंगे, ये तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मीडिया कवरेज को लेकर बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं, विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है, तो क्या मीडिया कवरेज होगी या प्रधानमंत्री अकेले ही ध्यान करेंगे? परमिशन है क्या मीडिया को जाने की? मीडिया को भी अभी तक परमिशन नहीं दिया पुलिस ने वहां जाने के लिए, सिर्फ हम भी अभी ये कोस्ट लाइन पे खड़े हैं और वहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन होनी चाहिए और पुलिस अभी स्पेशल परमिशन मीडिया को भी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमको अभी पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वहां अकेले जाएंगे और ध्यान पे रहेंगे और अभी तक पुलिस वाला बता रहा है कि बोट्स को भी रोक चुका है और बोट्स प्राइवेट बोट्स से भी हम वहां जा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम अभी लैंड ये कोस्ट लाइन में हम खड़े हैं, इसलिए थोड़ी देर के बाद हमको पता चलेगा कि कैसा प्रोटेक्शन और कैसा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का एसपीजी सिक्योरिटी वाले डालने के लिए सोच रहे हैं, वो पता चलने के बाद हमको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि हम वहां तक जा सकते हैं या नहीं, बट अभी तक ये सारे बोट्स बंद हो चुके हैं, इसीलिए हमको
वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन थोड़ी देर में हमको क्लियरली पता चलेगा, चीजें और क्लियर हो जाएंगी, तस्वीर साफ हो पाएगी। वासनी, आप ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजते रहिए, हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाते रहेंगे।